दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट, और आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। सो आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो पे यूँ ही बने रहें, और हमारे वीडियो पे रहने के साथ साथ आपको बहुत कुछ इनाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि आपका ये चैनल बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है। और यदि आप 5G फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो इसके बारे में कौन सा ख़रीदना है कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, यदि पुरानी वीडियो आपने देखी नहीं होगी, जो पुराने वीडियो हैं जो 5G फ़ोन ख़रीदने हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके पिछला चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ से पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो में भी आपको 5G फ़ोन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग 5G का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिल सकता है बहुत अच्छे अच्छे और लो प्राइस में, 10 से 12 हज़ार के बीच में। यदि आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो से आप देख के ख़रीद सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो की तरफ लेके चलते हैं, और आपको वो फ़ोन कौन सा है दिखाते हैं कि आपको फ़ोन कैसा पसंद है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता देना। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगता है हमें ज़रूर बताना दोस्तों। डूगी डूजी डूगी है डूजी है मालूम नहीं, पता नहीं, सॉरी। N20 है फ़ोन, द बेस्ट प्राइस, ऑल स्टार मिले हुए हैं। ठीक है, आपको ये फ़ोन कैसा लगता है? एकदम ब्लैक कलर और बैगनी कलर और आसमानी कलर, एकदम पर्पल भी है। आपको जैसा मिल जाएगा फोन होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। यदि अच्छा लगता है ये फ़ोन ना, तो ज़रूर बाय करें, एक बार इस फ़ोन को ख़रीद के देखें कि आपको ये फ़ोन कैसा पड़ता है। तो यदि आप लोगों को ऐसा फ़ोन चाहिए तो इस वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें फटाफट, ताकि आप लोगों को ऐसे फ़ोन हमेशा देखने को मिलते रहे। यदि आपको फ़ोन परचेज करना हो तो ऐसे ही फ़ोन खरीदें, हम आपके लिए ऐसे ऐसे फ़ोन लेके आते रहेंगे। आपको ऐसे फ़ोन हमेशा नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो मैं लेके आता रहता हूँ, तो हमारे YouTube चैनल पे आपको ऐसे फ़ोन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम फुल जानकारी लेते हैं, आप लोग रुके रहें थोड़ा सा, 10 मिनट हमें समय दे, आप लोगों को ऐसा फ़ोन देखने को मिल जाया करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसका बैटरी बैकअप वगैरह और इसका मेमोरी कार्ड यानी मदरबोर्ड, और आपको बैक साइड का कैमरा, फ्रंट साइड, फेस रिकॉग्नाइजेशन अनलॉक है इसमें। आपको देख सकते हैं कि कैसे कैसे फंक्शन दिए गए हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आपको एडवांस में टेक्नोलॉजी मिल रही है। ठीक है, आपको ऐसे टेक्नोलॉजी हर फोन के अंदर नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इसका कैमरा कितना हाई है, हाई रेंज में है, एकदम हाई, अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा HD है। HD का मोबाइल है, फुल HD, एकदम ज़बरदस्त। आपको ऐसे मोबाइल, ऐसे कैमरा आपको देखने को नहीं मिलते होंगे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो देख रहे होंगे कि कैसा फ़ोन आपको मिल रहा है। यदि आपको ये फ़ोन खरीदना है तो प्लीज़ आप इसे देख सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद इसको खरीदिए। क्योंकि हर फोन जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है ना, उसमें बहुत अलग अलग फंक्शन है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डबल कैमरा, डबल यानी डबल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। और देख सकते हैं आपको यहाँ 4 GB मिलता है, तो हम यहाँ 6 GB लेके आए हैं, 6 GB प्लस 128 GB। आप सोच नहीं सकते, आपको मिलता है 12 64, 4 64, 8 64, ऐसा करके मिलता है ना, तो हम आपको 6 128 लेके आए हैं। आप सोचो कि आपको इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन आपके सामने पड़ा है, तो आप किस दुनिया में जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन नहीं अवेलेबल। यदि आपको बाई करना है तो प्लीज़ इस फ़ोन पे बाई
जो है आप लोगों को कितना ज़बरदस्त लगता होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी का फ़ोन है। आपको 4400 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, आपको इसके अंदर बहुत पावरफुल सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। एडवांस परफॉर्मेंस है हेलियो का, इसका मदरबोर्ड बोर्ड है P60 है। और आप जानते नहीं होंगे कि इसमें जो गेमिंग है, गेमिंग खेलते वक्त आपको आपका फ़ोन जो है बहुत हाई गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसको यानी ये फ़ोन में ये गर्म नहीं होता और स्मूथली चलता है। आप कितने भी बड़े यानी सॉरी कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर अपलोड करें, कितना भी हाई क्वालिटी वाला वो गेम खेले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 6 GB रोम है। तो आप सोच सकते होंगे कि 2 GB और 4 GB में कितना अंतर होता है, और इसके बाद 6 GB में कितना अंतर होता है। तो ये पानी की तरह फ़ोन चलने वाला है, तो आप लोगों को गेमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। यदि आप गेम खेलते हैं तो ये फ़ोन यूज करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस फ़ोन में कितना भी लोडिंग कर दो, स्पेस बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी इसकी हाई है, इसीलिए तो ये फ़ोन जो है गेमिंग के लिए माना जाना है। तो आप लोगों को ये फ़ोन बाई करना है तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दे, और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आपके पास ऐसा फ़ोन है तो भी हमें प्लीज़ बताना, क्योंकि सबके पास तो है नहीं, आप लोगों के पास है, कोई किसी एक आदमी के पास है तो फिर प्लीज़ हमें कमेंट करके बोल दे कि हाँ हमारे पास ऐसा फ़ोन है, और हम आपके फ़ोन आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। देखना चाहता हूँ कि किसके किसके पास फ़ोन है। 16 मिलियन HD रियर कैमरा जो है, और इसके अंदर जितने भी 1600 वाट का, तो फ़ोन आपको कैसा लगता है? इसका वीडियो जो है एक नंबर का है, इसका कैमरा देख सकते हो कि कैमरा स्ट्रेट है, और इसके अंदर सेंसर वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं। 6.5 इंच फुल स्क्रीन का इसमें दिया गया है, इसका जो है फुल स्क्रीन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसके बैक साइड में किस लुकिंग कैसा दिया गया है। हर फोन के अंदर ऐसा लुकिंग होता नहीं है, जो लुकिंग इसके अंदर दिया गया है मैजिकल टू लाइट है। आप इसके अंदर जब यानी कोई फोटोज़ वगैरह खींचेंगे, अगर आप चाहते हैं मैजिकल वाली लाइट जले तो वो भी यानी जलती है। तो आप सोच सकते होंगे कि ये फ़ोन जो है आपको ऐसे ऐसे फंक्शन, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, तो क्यों ना खरीदें। डुअल सिम डेडिकेटेड है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट्स है, आप चाहे इसको माइक्रो कार्ड लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना स्पेस दिया गया है ऑलरेडी, तो आपको माइक्रो कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो फुल गारंटी है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी हाई टेक्नोलॉजी वाले ट्यूलाइट यानी परफॉर्मेंस दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ इसमें लगाना पड़ेगा या कुछ अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें आती हैं सब ऑलरेडी लगाई हुई चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन से आपको जो कैपेसिटीज़ वगैरह दिखाई जा रही हैं, आपको कैसा लगता है? यदि आपके पास पुराने फ़ोन होंगे 4 GB फ़ोन, वो फ़ोन में और इस फ़ोन में अंतर हमें बताना, हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और आप देख सकते हैं गेमिंग का 6 GB प्लस 128 GB फ्लैश मेमोरी कार्ड है, तो आपको भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ऐसे हाई टेक्नोलॉजी ब्रांड फ़ोन आया हुआ है, तो आपको इंडिया में जितने फ़ोन मिल रहे हैं उससे काफ़ी अलग होंगे। ब्लैक है, ग्रीन है, वाइट है, इसके अंदर 3 कलर के फ़ोन हैं आपको, और डिस्प्ले जो है अलग साइज में दिया गया है, डिस्प्ले एकदम HD में है आपको। और जो ब्रांड के फ़ोन होते हैं जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल से भी काफ़ी बेहतर फ़ोन है। आप लोगों को 8 MP फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा जैसे 16 MP का होता है, उस रेंज में आपको 8 MP में दिखाई दे रहा है, तो आपको ये फ़ोन
कैसा लगता है? इसकी कीमत की बात की जाए, जो मैंने पिछला फ़ोन दिखाया था वो 4 से 5 हज़ार के बीच में है, और ये वाला फ़ोन जो एंड्रॉयड 9.1 सिस्टम दिया गया है, इसका भी कीमत आपको थोड़ा सा 1,000 रुपये ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो है उससे जो है अलग अलग, थोड़ा कंपनी का फ़र्क है, कंपनी के फ़र्क की वजह से इसमें अलग अलग प्राइजेस दिया जाता है, ठीक है। उसका नाम बिकता है और काम तो वही है, दोनों एक ही जैसे काम करने वाले हैं। आपको इसी एक जैसे फ़ोन में आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग सिचुएशन में सब कुछ हैंडल करने के लिए दिया गया है बहुत। और इसकी बॉडी की बात की जाए तो बॉडी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको यानी फ़ोन गिरने के बाद भी जल्दी क्रैक नहीं होने वाला, स्क्रैच नहीं होने वाला। पीछे बैक साइड से इसका इतना प्लस दिया गया है कि आप इस फोन को गिराने के बाद भी इसके अंदर कोई थोड़ा भी जरा सा भी स्क्रैच नहीं आने वाला है। तो इसकी कीमत की बात कर ली जाए एक बार, तो 6,753 रुपये है, 6,692 रुपये है और 6,600 रुपये है। तो ये फोन जो है आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये फ़ोन जाना चाहिए 35 से 36 हज़ार के बीच या 30 हज़ार के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन इतने कम रेंज में आपको फ़ोन मिलता है तो आप खरीदे जाए।